Good evening, friends. Welcome in our Facebook Live. Myself, Dr. Sheetal, Resident Medical Officer, Felix Hospital. और आज हमारे Facebook Live में हमारे साथ है Dr. Nikhil Jalori, Gastroenterologist, having more than experience of 7 years experience in this field. Welcome, sir. Welcome in our Facebook Live. तो आज हम बात करेंगे बहुत ही common problem जो आजकल हमारे patients कहते हैं, बहुत ही फैटी लिवर. सर तो आपसे जानना चाहेंगे कि फैटी लिवर होता क्या है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, फैटी लिवर मींस कि जब भी लिवर में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैट इज लाइक चर्बी. तो जिस तरह से शरीर में बाहरी अंगों में अपना टमी में या शरीर में फैट डिपॉजिट होता है, उसी तरह शरीर के अंदरूनी अंगों में भी फैट डिपॉजिट होता है. उसी को जब लिवर में डिपॉजिट एक्सेस अमाउंट हो जाता है तो फैट लिवर. सर इसके क्या कारण होते हैं? जैसे कि मैंने भी बताया कि शरीर में फैट डिपॉजिट होना, फैट डिपॉजिट जैसे कि अपना शरीर के बाहरी अंगों में डिपॉजिट होता है, उसी तरह अंदरूनी अंगों में भी होता है. बाहरी अंगों में डिपॉजिट होने के लिए कारण होता है कि अपन जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना डाइट ले रहे हैं, जितनी कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर अपन कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं बॉडी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो शरीर में डिपॉजिट होने लगती है. शरीर के बाहरी अंगों में डिपॉजिट होगी वो शरीर के अंदरूनी अंगों में डिपॉजिट होगी. जो बाहरी अंगों में डिपॉजिट होती है तो उसको मोटापे के रूप में देखा जाता है, और जब अंदरूनी अंगों में डिपॉजिट होती है तो फैटी लिवर या अदर डिजीज के रूप में देखा जाता है. सर इसके क्या सिम्टम्स होंगे? लाइक पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको फैटी लिवर हुआ है, मतलब विदाउट एक अल्ट्रासाउंड पहले एक घर पे पेशेंट को कैसे पता चले? सबसे बड़ी मिस्ट्री इसमें फैटी लिवर में ये है कि 75-80% पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उनको फैटी लिवर है. तो जनरली पता चलता है जब किसी और कारण से, या तो पेट के दर्द के लिए या किसी और कारण से, जब वो अल्ट्रासाउंड या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तब उसमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, लीवर में फैटी डिपॉजिट आ रहा है या फिर लीवर एंजाइम्स बड़े हुए हैं, तब डाउट होता है कि फैटी लीवर है. और जिन 20-30-25% केसेस में पेशेंट को सिम्टम होते हैं उसमें जनरली राइट साइड में पेन होना पेट में कंटिन्यूसली, या फिर भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा मन होना, जी मचलाना, इस टाइप की चीजें होती है. और कई बार मतलब 5-10% केसेस में ऐसा होता है कि जब लास्ट स्टेज आ जाती है, डिजीज काफी बढ़ चुकी होती है, लीवर फेल होने लगता है, तब जाके पकड़ में आता है कि ये तो फैटी लीवर के कारण ऐसा हुआ है. तो सर क्या ये फैटी लीवर जानलेवा भी हो सकता है? हाँ, जैसे अभी मैंने बताया कि 5% केसेस में अगर अपन ट्रीट नहीं करें इनको तो 10-15 साल में धीरे धीरे ये एक स्टेज पर आकर लीवर को सख्त कर देता है. लीवर को सख्त कर देगा मतलब परमानेंटली डैमेज हो जाता है लीवर में, और लीवर में परमानेंट डैमेज होने के बाद भी अगर आप उसको ट्रीट नहीं करो तो लीवर फेल होने के चांस रहते हैं, और लीवर फेल होने के बाद एक बार फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर दी. सर क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं इस फैटी लिवर के लिए? ये एक तरह की लाइफ स्टाइल डिजीज है. जैसा मैंने बताया कि शरीर में अपन ज्यादा खा रहे हैं और उससे कम कंज्यूम हो रहा है, बॉडी को रिक्वायरमेंट जितना ज्यादा है. तो अभी जैसे 10-15 ईयर्स में अपने आप स्पेशली इंडिया में डाइटरी चेंजेस काफी हुए हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस काफी हुए हैं, फास्ट फूड हैबिट्स हुई हैं, लोगों की जंक फूड खाना, ऊपर से सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, लाइक मतलब ऑफिस वर्क कंटिन्यूसली बैठ रहना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना. तो मींस खा ज्यादा रहे, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं कैलोरीज और खर्च नहीं हो रही है. तो बेसिकली ये सब मिला के अभी जो है लाइफ स्टाइल चेंज के कारण ही मतलब इंक्रीजमेंट हुआ है काफी. सर तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोसिस जैसे मैंने बताया अभी कि 75% केसेस में तो मतलब आप मतलब किसी और कारण से दिखाने गए हो डॉक्टर को, लेकिन पता चला कि साथ में फैटी लिवर भी है. बाकी लेकिन कुछ परसेंट केसेस में होता है कि हाँ मतलब भूख नहीं लग रही है, या पेट में दर्द हो रहा है, या पीलिया भी बंद हो गया है, तो वो दिखाने आए तब पता चलता है कि फैटी लिवर है. फिर उसके लिए डॉक्टर्स मतलब अलग अलग टेस्ट करा के देखते हैं, ब्लड टेस्ट में लीवर एंजाइम्स देखने पड़ते हैं कि वहाँ अंदर सूजन तो नहीं चल रही है, फिर उसके बाद लीवर में शक्ति तो नहीं है, लीवर में फैट का परसेंटेज कितना है, उसके लिए स्पेशल टाइप का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको फाइब्रोस्कैन बोलते हैं, उसमें फैट का परसेंटेज और लीवर में कितना डैमेज हुआ है और आगे क्या चांसेस हैं वो थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सर तो इसकी कुछ स्टेजेस हैं प्रॉपर स्टेज हम? स्टेजेस हैं इसकी, जैसे कि मैंने बताया कि आगे चल के एंड स्टेज तक डिजीज आती है. तो इनिशियली जब फैट डिपॉजिट होना चालू होता है तो उसको फैटी लिवर से बोलते हैं, NAFLD और ALD, मींस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक लिवर डिजीज. आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ मतलब अगर आपने कंट्रोल नहीं किया डिजीज को तो जो फैट सेल्स में डिपॉजिट हो रही है वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है. जब सेल्स डिस्ट्रॉय होना चालू होंगी तो सूजन चालू होती है अंदर लिवर में, सूजन होगी तो धीरे धीरे लीवर के एंजाइम्स बढ़ेंगे, पेशेंट को सिम्टम आना चालू होंगे.
इसको बोलते हैं NASH, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस या फिर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, डिपेंड ऑन द एटियोलॉजी. और फिर धीरे धीरे जब आगे स्टेज बढ़ती है तो सिरोसिस, और सिरोसिस के बाद एंड स्टेज. इवन 5% केसेस में हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा या फिर लिवर कैंसर भी आंत में जाके हो सकता है. सर तो क्योंकि आपका इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस रहा है तो कितना कॉमन लगता है आपको ये फैटी लिवर? जैसे मैंने बताया कि 10 साल पहले तक अपने देश में एल्कोहल लिवर डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करती थी, लेकिन 10 साल में जो ड्रेस्टिक चेंजेस आए हैं लोगों की लाइफ स्टाइल में 10 से 15 सालों में लास्ट में, उससे अभी जो करेंट स्टडीज है उसमें प्रूव हो गया है कि एल्कोहलिक लिवर डिजीज के अलावा नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज आर मोर प्रिवेलेंट इन अवर कंट्री. मींस लाइक आउट ऑफ 3 एवरी 1 पर्सन हैड एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. सर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमने तो सुना था कि ये शराब पीने से होता है, बट हम तो शराब पीते नहीं. बहुत सारे लेडीज के ऐसे फैटी लिवर आते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वो एक्सपेक्टेशन एक एल्कोहलिक पेशेंट की होती है, बट आजकल की रिपोर्ट्स में ज्यादातर नॉन अल्कोहलिक लोग ज्यादा ऐसे निकल पहले जो डिजीज मतलब अल्कोहल वालों को होती थी वो मोटापे और चर्बी के कारण नॉन अल्कोहलिक वालों को भी उसी को टर्म बोला हुआ NAFLD NASH. ओके सर, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीजें का जो रिस्क फैक्टर्स है उनको मॉडिफाई करें. रिस्क फैक्टर जैसे अभी मैंने बताया आपको कि लाइफ स्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, खाने में जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, सिंपल शुगर ज्यादा खा रहे हैं, कैलोरीज ज्यादा इंटेक में उतना खर्च नहीं हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए वही रिवर्स करना पड़ेगा. खाने में सिंपल शुगर्स ना लें. सिंपल शुगर्स मतलब कि जो अपन चीनी डालते हैं शक्कर में या चाय में या वो सिंपल शुगर होती है, या फिर जो कार्बोनेटेड बीवरेजेस होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उन सब में सिंपल शुगर्स होती है. तो ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर एकदम से कैलोरीज के अमाउंट बढ़ा देती है शरीर में, तो ये नहीं करना चाहिए. इसकी जगह कॉम्प्लेक्स शुगर्स लेना चाहिए. आलू है वे भी एक तरह का सिंपल शुगर है, तो डायरेक्ट एकदम से इनका अमाउंट लेने से ज्यादा कैलोरीज इंटेक होता है. और कॉम्प्लेक्स अमाउंट को कॉम्प्लेक्स शुगर लेना चाहिए जैसे ओट्स हुए. अगर इसके अलावा बाकी फिजिकल एक्टिविटी है, एटलीस्ट हर आदमी को 30 मिनट्स डेली एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए. 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें पसीना आए और सांस की गति तेज हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ चल लिए और ठीक हो गया. कम से कम 30 मिनट टू 60 मिनट एटलीस्ट डेली के लिए फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए. वेट रिडक्शन इम्पोर्टेंट पार्ट है. अगर आपका वेट ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको अपना जो प्रीवियस वेट है उससे 10% वेट कम करना चाहिए इन 3 to 6 months. ये टारगेट रखना चाहिए. वेट रिडक्शन लाइफ स्टाइल चेंजेस से डेफिनेटली ये रिवर्स हो सकता है. सर आपने अपने टिप्स तो बता ही दिए हमारे व्यूअर्स को. सो एक बार अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि किस टाइम पे और किन सिम्टम्स के साथ इनको घर नहीं बैठना है, आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नियर बाय जो भी कोई डॉक्टर है आप उन्हें दिखाएं. बिकॉज सर ने बताया कि ये जानलेवा भी हो सकता है. अगर आप इसको टाइमली नहीं मैनेज करेंगे तो एक स्टेज आएगा जहां पर ये फेटल है, जहां पर ये हमारे जानलेवा है. सो हेल्थ इज वेल्थ, तो पहले अपनी हेल्थ को देखें. सर एक बार लास्ट में आप बस हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि किस स्टेज पे किसी को लंबे टाइम तक भूख नहीं लग रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, पीलिया हो रहा है, या किसी भी स्टेज में पेट में पानी आ गया या खून की उल्टी हो गई, इसका मतलब है कि लिवर काफी हद तक डैमेज हो चुका है या होने वाला है. तो इन सिम्टम्स के साथ अगर कोई भी है, कभी भी खून की उल्टी हुई, काली लेटरिन जाना, पेट में पानी आना, पीलिया होना, या फिर लंबे समय तक भूख नहीं लगना, उनकाइयां आना, इन तरह की किसी को दिक्कत है तो उसको तुरंत अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. थैंक यू सो मच सर. तो देखा आपने कितने सिंपल शब्दों में डॉक्टर साहब ने हमें समझाया कि फैटी लिवर क्या है, कैसे होता है, स्टेजेस क्या है, और ये जानलेवा भी है. तो इसलिए जो भी सिम्टम्स सर ने बताए हैं, जैसे भी इन्होंने समझाया है, उस स्टेज पे अगर आप हैं तो प्लीज अपने किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें. इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, अपना फोन नंबर डालें और अपना क्वेश्चन लिखें. हम जरूर आपको आपका क्वेश्चन का आंसर आपको कॉल करके मिलेगा. थैंक यू. थैंक यू.